हेलो फ्रेंड्स, जय माता रानी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको नवरात्रि में जो जौ उगाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे आसान तरीका जो है वो हम जानेंगे। उसके लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले लेंगे। इसको आप रात को पहले पानी भर के रख दें, जिससे ये पानी को सोख लेता है। जब सूख जाए, साफ़ करके आप इस मिट्टी के पात्र को ले लेंगे। लेने के बाद आप इस पर हल्दी या सब पीले चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आप इसके चारों तरफ भी रोली चंदन से तिलक करेंगे। बिल्कुल शुद्ध पात्र लेंगे। अगर पुराना भी है तो आप उसे धो के यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस पर तिलक लगा लेंगे। अब मैं इस रोली का तिलक लगा रही हूँ। इस तरीके से थोड़े से इसमें अक्षर डाल देंगे हम। अब मैंने अपने ये पहले से ही जौ भिगा के रखे हैं। एक दो घंटे आप इन्हें पहले भिगा के रख दें। अब मैंने अपने गार्डन की मिट्टी ली है, जो बिल्कुल इसको मैंने हल्का बारीक कर लिया है। इसमें कूड़ा करकट ना हो और मोटे इसमें पत्थर ना हो, उसको मैंने साफ़ कर दिया है पूरी तरीके से। इसमें हम मिट्टी को डाल के, अब आप जो आपने ज्वारे भिगा रखे हैं इनको एक दो घंटे आप पहले भिगा देंगे तो बहुत अच्छे उगते हैं। इस तरीके से आप इसे मिट्टी में मिक्स कर देंगे। मिट्टी में पूरी तरीके से इनको मिला देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा मिट्टी और डाल सकते हैं। वैसे ऐसे भी बहुत अच्छे ज्वारे उगते हैं। मैंने इनको मिट्टी में मिक्स कर दिया है। आप अब इस पर थोड़ा सा पानी की छींटें मार देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की छींटें इस पर मारेंगे। इस तरीके से आप अपने ज्वारे तैयार कर सकते हैं। ये सबसे बहुत ही आसान तरीका है ज्वारे तैयार करने का। और आप इसको, आपके जो ज्वारे हैं बहुत हरे भरे उगेंगे। तो ये तरीका आप अपनाकर अपने नवरात्रि के लिए ज्वारे उगा सकते हैं। धन्यवाद।